अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CCN न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत तेलंगाना के वज़ीर-आला के चंद्रशेखर राव ने आज कैबिनेट मीटिंग मुनाकिद की थी। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने कल चारशंबे 12 मई से 10 दिन के लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। लॉकडाउन के दौरान रोजाना 20 घंटे मुकम्मल बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को छूट रहेगी। हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स, बैंक, ATM सेट्स एंड पेस्टिसाइड शॉप्स खुले रहेंगी। RTC बस की सर्विसेज सुबह 6 से 10 बजे तक हैदराबाद और अजला में जारी रहेंगी। राशन शॉप सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे। जिम, क्लब, शराब की दुकान, थिएटर्स, पार्क बंद रहेंगे। नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। 10 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद से रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद में अवाम के दरमियान बेचैनी देखी गई और अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। शहर हैदराबाद के इलाके चार मीनार के पास अवाम का हुजूम उमट पड़ा और शॉपिंग के लिए आते हुए देखे गए। इस दौरान काफी हुजूम देखा गया और कई मुकामात पर तो वाइन्स शॉप्स और रेस्टोरेंट और बार के पास अवाम जो खासकर शराब नौशी करते हैं उनका हुजूम देखा गया और वहां पर कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया। इस दौरान शराब नौशी करने वाले अफराद शराब के कार्टून्स लेते जाते हुए भी देखे गए।